चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जो अनूप नाग कांग्रेस से निष्कासित हो गए हैं। अनूप नाग को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर यह कार्रवाई की गई है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पार्टी ने अनूप नाग को निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है पार्टी से। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का उन पर आरोप है और इसी कारण उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि अनूप नाग पे अब पार्टी ने कार्रवाई कर दी है और उन्हें निष्कासित कर दिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्हें टिकट नहीं दिया गया और ऐसी बात निकलकर सामने आ रही थी कि अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं और इसी को लेकर पार्टी ने एक बड़ा एक्शन लिया है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? देखिए, पहले तो कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लगातार मनाने की कोशिश की जो भी बागी थे, लेकिन अब जब बागी नहीं मान रहे हैं और निर्दलीय नामांकन दाखिल कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस सख्ती के मूड में। पहली कार्रवाई जो हुई है इस विधानसभा चुनाव की, और सबसे पहले अनूप नाग पर हुई है, जो अंतागढ़ के विधायक है, और अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया, तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। और सीधे विधायक को निष्कासित कर दिया 6 सालों के लिए। कुछ और भी विधायक हैं जिन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ और दावेदार भी जिन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी संकेत है कि अगर वे नहीं माने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे, पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, तो उन पर भी ऐसी कार्रवाई होगी, ये बताने की कोशिश भी है। और इस तरह से अनूप नाग पर कार्रवाई 6 साल के लिए निष्कासन की कर दी गई है। जी जी गौरव, क्या लगता है कि आगे अगर पार्टी के और भी कार्यकर्ता नहीं मानते तो उनके ऊपर भी निष्कासन की कार्रवाई ही की जाएगी या फिर कोई और एक्शन लिया जाएगा? निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं, कुछ विधायक भी हैं जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे दल में शामिल होने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वे मान जाते हैं तो पार्टी के लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर कहीं नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस बात के संकेत भी इसी से स्पष्ट हो जाते हैं। जी गौरव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।